किसान भाइयों, आप सभी का हमारे खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है वो बागों में स्प्रे की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो हमारे साथ है महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर है सरपंच सीरीज का, और यहाँ पर ये 2000 लीटर का पानी का टैंक है और इसमें दो पाइप लगे हुए हैं। और सामने दो किसान भाई अपने जो बड़े बाग हैं, यहाँ पर ही देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं बाग के, इसमें स्प्रे का कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सा स्प्रे कर रहे हैं, किस दवाई का और किस रोग के लिए। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही पास वाले घंटे जरूर दबा दें, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ही 2000 लीटर का पानी का टैंक है और महिंद्रा 265 ट्रैक्टर है जो कि PTO से चल रहा है, और आप देख सकते हैं 39 HP ट्रैक्टर। और यहाँ पर जो किसान भाइयों ने टैंकर मंगाया है, ये दोस्तों ये 800 रुपये टैंकर, यानी कि एक पानी के टैंकर के 800 रुपये लेते हैं यहाँ पर ये मारने के लिए। और इस तरीके से इसमें मोटर फिटे देख सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर लो में PTO से चला जा रहा है इसको, और वहाँ पर दो भाई किसान भाई वहाँ पर स्प्रे का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस 2000 लीटर पानी में यहाँ पर ये 3 लीटर ये वाली दवाई मिलाई जाती है इसमें, क्यूनाफोस। तो दोस्तों, क्यूनाफोस ये 25% इसी में आती है, और ये 550 रुपये प्रति लीटर दवाई है, जो कि ये हमारे बाग पर, जो इस बाग पर यानी कि जो मकड़ी का जाल लगा हुआ है, यानी कि पूरे बाग पर जाल सा लगा हुआ है कीड़ों का, तो उसके लिए इस पर स्प्रे का कार्य चल रहा है। तो अब मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये 3 लीटर एक इसमें डाली जाएगी, एक इसमें डालते हैं, और इसको डालने के बाद इस तरीके से दोस्तों देखते हैं स्प्रे करते हैं। दो पाइप लगे हुए हैं देख सकते हैं, यहाँ पर मुल्ला जी स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे इसमें डंडा बांध रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाइप को लंबा किया जा सके और अच्छे से इसमें स्प्रे किया। देख सकते हैं यहाँ पर ये ताऊ जी स्प्रे कर रहे हैं। तो ताऊ जी, मच्छर नहीं आने का, इसमें वो जाल नहीं लगने का, जाल नहीं लगने का जाल। अच्छा, तो दोस्तों 2 से 3 मिनट लगती है एक पेड़ पर स्प्रे करने के लिए। देख सकते हैं कितना लंबा स्प्रे इससे हो जाता है, काफ़ी ऊंचाई तक जा रहा है। दोस्तों, दवाई को एक बार फिर देख ले, इस दवाई का उपयोग यहाँ पर एक किसान भाई कर रहे हैं, क्यूनाफोस 25% इसी इंसेक्टिसाइड, ये सुंडी क्या है जो कि इस पर सुंडी जाल बनाती है पूरे पेड़ पर, और यहाँ पर एक पाइप ये चल रहा है और दूसरा पाइप वहाँ पर मैं वाले किसान भाई लेकर बाग पर स्प्रे कर रहे हैं। तो दो पाइप का इसमें यूज़ किया जा रहा है, और ये 20 बीघे का बाग है, काफ़ी पुराना बाग है, 50-60 साल पुराना बाग है। देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है इस बाग के, एक ही पेड़ पर कहीं कहीं आम लगते हैं, कहीं कहीं कौंटल, और ये एक पेड़ 1 बीघे में फैला हुआ है पूरे, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मजबूत शाखाएँ इसकी। तो यहाँ पर 265 ट्रैक्टर जो कि बहुत ही बढ़िया कंडीशन का है, दो पाइप लगे हुए हैं स्प्रे का कार्य कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपके बाग में भी किसी प्रकार की कर कोई दिक्कत है, मकड़ी का जाल ज़्यादा आ रहा है, तो आप भी बागों पर स्प्रे ज़रूर करें इस तरीके से जैसे यहाँ पर भाई कर रहे हैं सुंडी को मारने के लिए, ताकि जाल ना बने और इस पर जल्दी नया फूल आएगा, नया नीर आएगा। और देख सकते हैं इसी कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, कितने बड़े पेड़ पर अकेले। उससे थावले बना रखे हैं खाद डालने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ के अच्छे से। तो दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन जुगाड़ है ये पाइप वाला टैंकर, इनका पानी का टैंकर में यहाँ पर PTO सिस्टम इसमें करवा के उसमें पट्टी पर ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी चला जा रहा है प्रेशर को। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कौन सी दवाई का बाग पर इस्तेमाल करते हैं ये भी हमें आप कमेंट करके बताएं। तो जल्दी दोस्तों आपको एक नई वीडियो नई जानकारी में इसी प्रकार मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।